आज हम आपको अभिनेता अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण की साल 2009 में रिलीज हुई चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताएंगे। अक्षय कुमार की मूवी 2009 की सबसे बिग मूवी में से एक थी, जहां आज अभिनेता अक्षय कुमार की हर मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होती है, वहीं साल 2009 में आई चांदनी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण की जोड़ी वाली इस मूवी का बजट करीब 62 करोड़ रुपए था। साल 2009 में सबसे हाई बजट फिल्मों में से एक चांदनी चौक टू चाइना मूवी ने भारतीय सिनेमाघरों में मात्र 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि अक्षय कुमार की पिछले 2 साल का रिकॉर्ड अगर हम उठाकर देखें तो हर मूवी सुपर हिट रही है, जिसने अपने कलेक्शन से हमेशा डबल मनी ही कमाई है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में सबसे आगे रहे हैं अक्षय कुमार। लेकिन वहीं बात करें 2009 की, तो उस समय चांदनी चौक टू चाइना कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले।